पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक जो है हमने पीछे जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे थोड़ा सा हटकर है। अगर आपने हमारे पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जो है हमारे पिछले वीडियोस देख लीजिए जाकर, और आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है आव्यूह की प्रारंभिक संक्रियाएं अर्थात प्रारंभिक रूपांतरण, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है ये किसी भी मैट्रिक्स में छह तरीके से किया जाता है, लेकिन मैं केवल तीन ही तरीके से करता हूँ, क्योंकि वो जो छह तरीके होते हैं तीन तरीका अप्लाई होता है रो पे और तीन तरीका अप्लाई होता है कॉलम्स पे। तो हम जो है हमेशा रो वाला फॉलो करते हैं, कॉलम्स को बहुत कम यूज करते हैं, इसलिए हम तीन ही तरीके को अप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों तरीके सेम है। इसलिए मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करके दिखाता हूँ। देखिए, कोई मान लेते हैं हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट है 2, 0, 5, -3, 1, 1, -1, 0 एंड 2, ठीक, या -2। इस तरीके से हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसपे हम कैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने बताया कितने तरह से होता है, छह तरीके से, तीन रो पे काम करते हैं और तीन कॉलम्स पे, और एक टाइम पे केवल हम मैट्रिक्स में एक ही रूपांतरण लगाते हैं। तो मैं आपको रो एंड कॉलम साथ साथ सिखाता चलता हूं, ठीक, तो आप देखते रहिए। तो अब पहला तरीका क्या होता है, आपको ये बात तो पता होगी कि इसे हम जो है रो वन अर्थात आर वन कहते हैं, इसे हम रो टू अर्थात आर टू कहते हैं, इसे हम रो थ्री अर्थात आर थ्री कहते हैं, ठीक है। इससे ये वाली पूरी वर्टिकल लाइन, इसे बोलते हैं कॉलम वन अर्थात सी वन, इसे बोलते हैं कॉलम टू अर्थात सी टू, इस वाली को बोलते हैं कॉलम थ्री अर्थात सी थ्री, ऐसे अगर और होता तो सी फोर सी फाइव, इधर होता तो आर फोर आर फाइव आर सिक्स, ऐसे बनता, ठीक। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि हम किसी भी रो को किसी भी रो से बदल सकते हैं, ठीक, आर आई को आर जे की जगह ले जा सकते हैं, किसी भी रो को किसी भी रो से बदल सकते हैं। ये हो गया रो के मामले में। अब यही कॉलम के मामले में भी यही सेम नियम है। कॉलम के मामले में क्या हो जाएगा, किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से बदल सकते हैं, ठीक है, मतलब आर वाई इंटर कन्वर्टेड इंटू आर जे। जैसे मैं इस सवाल में आपको लगा के दिखाता हूँ, वो पहला मुझे मान लो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है उसमें, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, देखिए मैं अगर चाहूँ कि ये आर वन को उठा के आर थ्री की जगह कर दूं और आर थ्री को कहाँ कर दूं, आर वन की जगह, यही तो कह रहा है आर वन इंटर कन्वर्टेड इंटू आर थ्री या आर वन कन्वर्टेड इंटू आर थ्री, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो बताइए ए क्या बन जाएगा हमारा, फिर काउंट ये आ गया कहाँ, आर थ्री के पास, और ये कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ, तो इसमें कौन कौन एलिमेंट, -1, 0 और 2, तो यहाँ लिखो -1, 0 एंड 2, ये बीच वाला कुछ नहीं किया तो उसको वैसे छोड़ दो, उसके बाद 2, 0 और 5, 2, 0 एंड 5, ये हो गया पहला कन्वर्जन इस तरीके से। या आप जो है सी वन या सी टू में चाहते हैं, सी थ्री के साथ ये वाला काम करना चाहते हैं, आप इसमें भी लगा सकते हैं सी वन इंटर कन्वर्टेड इंटू सी टू, या सी टू इंटर कन्वर्टेड इंटू सी थ्री, या सी थ्री इंटर कन्वर्टेड इंटू सी वन, जो आप चाहे लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान रहे अगर हम रो की लगा रहे हैं तो हमेशा रो रो ही चलेगा जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, अगर कॉलम्स लगा रहे हैं तो सब में केवल कॉलम्स का ही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, रो नहीं लेकर आएंगे बीच में। दूसरा क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है हम किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक, किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट से, मान लेते कोई है मतलब 1, 2, 3, -5, -8, 0, किसी से भी गुणा करा सकते हैं और उसे लिख सकते हैं, क्लियर। तो यही नियम जो है कॉलम में क्या हो जाता है, हम किसी भी कॉलम में किसी भी नंबर से गुणा करा सकते हैं, ठीक। तो हो गए चार ऐसे। तो अब जैसे मैं इसमें आपको करके दिखाता हूं, मान लीजिए यहां पे मैं R2 को कन्वर्ट कर देता हूं किसमें, जैसे मान लीजिए मुझे यहां पे 1 बनाना है,
तो कितने का कितने से गुणा करना पड़ेगा, माइनस वन बाई थ्री से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ये मल्टीप्लाई कराएंगे, तो माइनस वन बाई थ्री आर टू इस तरीके से। तो बताइए हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो किस तरह से दिखेगी, थोड़ी सी यहाँ देखिए, ये आर वन में कुछ नहीं किया तो आर वन में से लिख दो 205, ठीक। आर टू कन्वर्ट किया माइनस वन बाई थ्री आर टू में, तो माइनस वन बाई थ्री का जब यहाँ माइनस थ्री में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा ये वन, वन कितने में बन जाएगा जब यहाँ गुणा होगा, तो बताइए माइनस वन बाई थ्री इंटू वन, तो माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री इंटू माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन बाई थ्री, और आर थ्री वैसे है तो वैसे ही रहने दो, माइनस वन जीरो एंड टू। क्या ये दो नियम समझ में आए? लास्ट तीसरा, ये इन सबसे भी आसान है। ये क्या बोलता है कि हम किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट से गुणा करा के, उसे किसी भी रो में जोड़ सकते हैं, ठीक। ऐसे मतलब क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास ए ये मैट्रिक्स थी, इसमें मैं ये रो वाला भी लगाता हूं, फिर आपको कॉलम को समझाता हूं। तो मान लीजिए मैंने जो है इस आर वन को, ठीक, आर वन को क्या बनाना है मुझे, यहां पे टू के प्लेस पे मुझे मान लो कुछ भी लाना हो, कुछ भी कर सकते हैं, तो किसी भी के से गुणा करा के हम यहाँ आर वन में जोड़ सकते हैं। तो आर वन में मान लो मल्टीप्लाई करा दिया हमने किससे, टू से, टू आर वन, और यहां पर कितना है प्लस आर टू कर दो, ठीक, टू आर वन प्लस आर टू ऐसे कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा किसका मैं यूज कहां करूंगा आगे, ठीक। अब टू आर वन प्लस आर टू, आर वन में सब में कितने से गुणा कर दिया मैंने, दो से, और प्लस क्या कर दिया आर टू इसको, तो बताओ दो से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा चार, और ये माइनस थ्री ऐड होगा तो चार प्लस माइनस थ्री तो कितना हो जाएगा वन, हाँ हाँ ये देखिए चार प्लस माइनस थ्री यही तो किया है, यहाँ प्लस था तो आर टू माइनस थ्री था तो कितना आ जाएगा बताइए वन, क्लियर है। फिर दो में जीरो से गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा, और आर टू वन था जुड़ेगा तो वन ही आ जाएगा, ठीक। पांच में दो से गुणा करोगे तो दस, दस को में माइनस वन जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा नाइन, ठीक। इस तरीके से आर वन कन्वर्ट हो गया, अब देखो आर टू को छुआ नहीं है उसको ऐसे लिख दो, क्योंकि आर टू तो कन्वर्जन कहीं नहीं हुआ, ये माइनस वन रह गया, ये जीरो रह गया, ये अपना टू रह गया, ठीक। इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। अब जो है यही कन्वर्जन इसमें क्या कहलाएगा, कॉलम में कहलाएगा किसी भी कॉलम को हम किसी भी कॉन्स्टेंट से गुणा करके किसी भी कॉलम में जोड़ सकते हैं, क्लियर है बात। तो ये है अपने छह नियम, एक दो तीन चार पांच छह, तीन रो के तीन कॉलम के, इससे आसान कोई भी नहीं है। मैं आपको बता दूं ये टॉपिक जो है एग्जाम के लिए तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा बीएससी या बीटेक करना चाहता है तो ये बहुत ही काम आएगा। और दूसरी बात, ये टॉपिक जो है आपको अगले वाले चैप्टर सारणी अर्थात डिटरमिनेंट में भी मिलेगा थोड़ा सा यूज करने के लिए, जिससे हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, ओके। तो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। अब हम आपको बताएंगे मित्रों भी आप भी आप याद कीजिए, हमने आपको गुणनफल में जब पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। मैंने ये भी कहा था कि आपको हम एक जगह ऐसा दिखाएंगे जहां पे हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, वो यही जगह है। विद्रोह आव्यूह का मतलब होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। जैसे कोई पूछे आपका दो का इनवर्स क्या होता है, टू इनवर्स लिख देते हैं ना ऐसे, ए का इनवर्स क्या होगा ए इनवर्स, तो इसी तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा ए इनवर्स, वही निकालना हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं ये कैसे होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, और दोनों कैसे मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, कैसे मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तब हम क्या बोलेंगे, बी जो है ए का इनवर्स है अर्थात व्युत्क्रम है, मतलब बी इक्वल टू ए इनवर्स, इस तरीके से। क्लियर बात? तो अगर मैं b की वैल्यू a इनवर्स यहां रख दूं तो क्या आ जाएगा, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू b की जगह a रखिए फिर से a इनवर्स a इक्वल टू i, ठीक। या जो बात मैंने यहां पे कही है इसी को मैं उल्टा भी कह सकता हूं, किस तरीके से, a जो है b का इनवर्स है, मतलब क्या हुआ a इक्वल टू b इनवर्स। तो अब क्या करेंगे, जहां जहां a है वहां वहां क्या रख देंगे b, तो बताइए b इनवर्स b इक्वल टू b b इनवर्स इक्वल टू i, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं, कोई भी मैट्रिक्स आपको a दी गई हो कि आपको उसका इनवर्स फाइंड आउट करना होगा, तो ये है। इसको निकालने का के लिए हम क्या यूज करते हैं, अभी जो मैंने आपको पीछे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बताया उसका इस्तेमाल करते हैं, आगे जो है और भी मेथड्स आएंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल इस टॉपिक में हम केवल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना सीखेंगे। ओके, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा दिखाते हैं होता कैसे है। ए बी इक्वल टू बी ए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो 2x2 की है और एक मैट्रिक्स बी है जो खुद 2x2 की है, दोनों कैसे मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करा के देखता हूं, तो बताइए ए बी में करूंगा, आपको तो पूरा आता है, नहीं आता तो आप पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 2 -3 -1 एंड 2, क्लियर। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, ए बी ये R1 जो है किस पे पड़ेगा, C1 पे, तो 2 2 4 3 इंटू -1 तो -3, 4 -3 कितना हो जाएगा बताइए 1, क्लियर। फिर R1 जो है किस पे पड़ेगा, C2 पे, 2 3 -6 और 3 2 6 -6 + 6 कितना 0, क्लियर। 1 × 1 और 2 R2 है किस पे जाएगा, C1 पे, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो कितना आ जाएगा 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से कितना आ जाएगा -2, 2 - 2 कितना 0, क्लियर। 1 और 2 मल्टीप्लाई होगा -3 और 2 से क्रमशः, तो 1 जाएगा -3 के पास क्या आ जाएगा -3, 2 जाएगा 4 2 के पास तो क्या आ जाएगा 4, तो -3 + 4 कितना आएगा 1, ओके ये हो गया। तो ये बन गई क्या 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही पहचान होती है ना, मेन डायगोनल के जितने एलिमेंट हो सब 1 हो, बाकी जो एलिमेंट बचे वो क्या हो 0, तो ये हो गई अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी, अर्थात ए बी इक्वल टू आई आ चुका है। अब केवल क्या चाहिए बी ए, और बी ए भी क्या होना चाहिए आई के बराबर होना चाहिए और ए बी के भी, तो बताइए बी ए यहां निकालते हैं हम, देखिए तो बी कितना है R1 में 2 - 3 R2 में -1 और 2 एंड 2 3 1 2, तो ध्यान से देखिए इसे थोड़ा क्या करेंगे, फिर से वही मल्टीप्लाई, तो 2 होगा 2 से 4 हो जाएगा -3 हो जाएगा, 4 - 3 कितना 1, 2 3 6 और 3 × 6 6 में से 6 0 हो जाएगा, ठीक माइनस चिन्ह था इसलिए घटा है, -1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो +2, -2 + 2 कितना 0, -1 3 के पास -3, 2 2 के पास 4, -3 + 4 1, तो बताइए ये भी 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई कि नहीं I2,
ना। तो बताइए अगर ये I2 I2 बराबर है तो क्या AB बराबर BA के नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, अर्थात AB इक्वल टू BA आ गया और इक्वल टू किसके आ गया I के। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं AB का इनवर्स है। अगर मैं बताऊं A इनवर्स क्या होगा, बताइए क्या हो जाएगा? B इक्वल टू A इनवर्स अर्थात ये वैल्यू 2 - 3 - 1 एंड 2। क्लियर यहां तक? और अगर कोई पूछे कि B इनवर्स कितना है तो बताइए B इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा? A इक्वल टू B इनवर्स और B इनवर्स क्या होगा? ये वाली वैल्यू, क्योंकि A तो यही है ना 2 3 1 2। क्लियर बात ये? ओके, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अभी तक हमने जो पढ़ा उसका थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल देते हैं बिक्री आपके में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में पहला रूल क्या है कि जो मैट्रिक्स होने चाहिए दोनों कैसे होने चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अर्थात रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है। केवल किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात क्या, यदि आप भी ए बी का व्युत्क्रम है अर्थात बी इक्वल टू ए इनवर्स है तो आप भी बी भी ए का व्युत्क्रम होगा। अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था ना, याद है? क्लियर? और तीसरी बात क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स जो होता है अगर अस्तित्व में है, मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो वह क्या होता है? अद्वितीय होता है अर्थात यूनिक होता है। मतलब किसी भी एक मैट्रिक्स का केवल और केवल एक ही इनवर्स मैट्रिक्स होगा। क्लियर बात? मैं ये लास्ट वाली बात आपको प्रूफ करके दिखाता हूं क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में और अक्सर पूछा जाता है। ओके, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो अब हम प्रूफ करने वाले हैं ये, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि अस्तित्व में अर्थात ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वह अद्वितीय अर्थात यूनिक होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। ठीक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? ए है, जिसके दो व्युत्क्रम हैं बी एंड सी। ए के क्या है? व्युत्क्रम है। ठीक है, इतनी बात। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको लिख के बताता हूं, अगर जो है बी ए का व्युत्क्रम है तो बताइए क्या ये कंडीशन फॉलो होगी? हाँ होगी। तो बताइए क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आ जाएगा कि नहीं? लेकिन सी भी तो ए का व्युत्क्रम है कि नहीं है? है, तो बताइए क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई आएगा कि नहीं? तो हमारे पास कितने इक्वेशन बन गए? दो। हाथी बंद कर थोड़ा। अच्छा हम जानते हैं क्या कि अगर मान लीजिए हमने B में I से मल्टीप्लाई करा दिया तब भी तो वो B ही रहेगा क्योंकि I तो आइडेंटिटी है, 1 है, तो B इंटू 1 B के बराबर रहेगा। ये बात हमें पता है कि नहीं? पता है। तो बताइए I की वैल्यू अगर मैं यहां से लेना चाहूं सेकंड समीकरण से तो क्या है? AC, मैं AC यहां लिख देता हूं तो B इंटू क्या हो जाएगा? AC। लेकिन आपको पता है कि गुणा के सहचर नियम से, क्या पता है आपको गुणा के सहचर नियम से? बी ए का पहले मल्टीप्लाई कराने के बाद सी का मल्टीप्लाई करा सकते हैं हम ना, ऐसा मैट्रिक्स में हम कर सकते हैं। क्लियर इतनी? तो आप जो है थोड़ा इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, क्या बी ए इक्वल टू आई है? हाँ है। तो ये क्या हो जाएगा? आई इंटू सी हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो एक बात बताइए मुझे आप, अगर I इंटू सी है तो I की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो R1 इंटू सी कितना हो जाएगा? केवल C। तो बताइए क्या आ जाएगा? B इक्वल टू सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? B इक्वल टू क्या आ जाएगा? C आ जाएगा।
तो मैंने जो है जबरदस्ती करके माना था ए के दो व्युत्क्रम आव्यूह बी और सी हैं, लेकिन हम जो है प्रूफ करने के टाइम पे जब पहुंचे तो हम देख रहे हैं बी और सी दोनों क्या हैं, बराबर हैं, मतलब बी और सी दोनों एक ही हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ए का केवल और केवल एक ही व्युत्क्रम एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि b इक्वल टू सी है अतः a का केवल और केवल एक ही व्युत्क्रम आव्यूह होगा। क्लियर था? अब लिख लेंगे क्या, इति सिद्धम। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। एक सवाल और बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, जहां पे ए और बी का ऑर्डर सेम है और वो दोनों कैसे हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक अर्थात व्युत्क्रमीय आव्यूह में। तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने ये वाला इक्वेशन लिखा था a into a inverse equal to a inverse into a equal to i, याद है ना आपको? मतलब दो समान मैट्रिक्स का अगर मैं एक का इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करा दूं तो वो किसके बराबर होगा, i के। तो हमारे पास क्या है, ab है, तो ले लेते हैं इसको। तो बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ab एक मैट्रिक्स हो गई इस a की तरह, और फिर ab का क्या कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं। तो बताइए किसके बराबर होना चाहिए, i के बराबर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि दोनों कैसे हैं, इनवर्टिबल है। ओके, क्लियर बात यहां तक। अब बताइए अगर मैं दोनों साइड में a इनवर्स का मल्टीप्लाई करा दूं, कहां पे, इस डायरेक्शन में, पूर्व लगन में, a इनवर्स इंटू ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स i। अच्छा आपको याद है ना कि अगर जो है इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर रहे ए बी इक्वल टू आई है, और मैं अगर इस साइड मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ इसमें भी इसी साइड ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे किसी सी से मल्टीप्लाई कराए थे, ये हो गया, तो मैं इसे सी आई लिखूंगा ना कि आई सी, ये गलत होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूर्व लग्न में ये गुणा किया है। क्लियर। अब बताइए मुझे सहजन नियम याद है आपको, सहजन नियम क्या बोलता है कि अगर ए बी सी ऐसे तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराना है, दो का हम पहले करा ले या पहले दो का करा के तीसरे का बाद में करा दे, इस तरीके से पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे कर दे ए इनवर्स ए इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या, ए इनवर्स आई, ऐसा कर सकते हैं ना। तो बताइए ए इनवर्स ए की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स ए आई के बराबर होता है कि नहीं, तो ये हो गया आई इंटू क्या, बी, और यहाँ क्या बचा, ए बी इनवर्स, और यहाँ पे क्या बचा, ए इनवर्स आई मान लेते हैं। ठीक, तो ये बताइए आई जो है वन होता है, ये भी आई वन, तो वन वन से ये वन कैंसिल हो गया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा केवल बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, फिर से पूर्व लग्न मतलब पहले, यहाँ पे b है ना, तो क्या करते हैं इसके पहले b इनवर्स से क्या करा देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ मिल जाएगा ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ भी पहले कराया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ भी पहले करा दिया हमने। अब क्या हो जाएगा बताइए, b इनवर्स इंटू b क्या होता है, i, आपको पता है ना, और यहाँ क्या बचेगा, ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या, बी इनवर्स ए इनवर्स, और आई की वैल्यू कितनी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से समान होगी, तो बताइए ये क्या आ जाएगा, बी इनवर्स, सॉरी, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो क्या हमें यही प्रूफ करना था, हाँ, तो ये क्या हो गया, अपना प्रूफ हो गया। अच्छा क्या आप ध्यान से अगर देख के बताइए, क्या हमने जो है इसी बात को ट्रांसपोज में भी कुछ ऐसे ही बताया था कि अगर जो है ए बी पे डैश लगा होता है तो वो इसको क्या कर देता है, पलट के डैश लगवा देता है ना, बी डैश ए डैश, क्या इनवर्स भी उसी तरीके से है। तो आप ट्रांसपोज
के तरह से इसको याद रख सकते हैं, लेकिन अलग ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ये बात आपको पता है ठीक। ओके वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हम कैसे इनवर्स निकालते हैं ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए इनवर्स निकालते समय दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात क्या है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा रहे हैं, रो का लगा रहे हैं या कॉलम का। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन रो का यूज करने वाले हैं तो हम जो है ए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स होगा तो उसे हम लिखेंगे आई इंटू ए ठीक। क्या लिखेंगे? आई इंटू ए, ये किसके लिए? रो के लिए। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन हम कॉलम यूज कर रहे हैं तो किसी मैट्रिक्स ए को हम ए इंटू आई लिखेंगे, क्लियर। दूसरी बात मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लो हमारे पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 2 एंड -1 ठीक। ये मैट्रिक्स हमारे पास है तो कह रहा है इसका व्युत्क्रम निकाल के दिखाइए, अर्थात इनवर्स मैट्रिक्स बता दीजिए। तो कैसे निकालेंगे हम? पहले मान लीजिए मैं रो का यूज करूंगा, मैं इसी से सॉल्व करूंगा, ज्यादातर क्वेश्चन आप भी यही यूज कीजिएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? ए इक्वल टू आई इंटू ए ठीक, ये हो गया अपना। फिर ए की वैल्यू कितनी है? ये यहाँ पे ये लिखेंगे, फिर 1, 2, 2, -1। आई की वैल्यू बताइए, ये 2/2 की है तो आई भी कितने की होनी चाहिए? 2/2 की। तो इस तरीके से ठीक, इस ए को ऐसे रहने देंगे। इतना लिखने के बाद अब बात को क्या ध्यान में रखना है बताइए। हम इनवर्स मैट्रिक्स के लिए क्या पढ़ चुके हैं? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, ये याद है आपको ना? अब बताइए अगर मैं इस चीज को किसी तरीके से ए इनवर्स में कन्वर्ट कर लूं या इस चीज को मैं किसी तरीके से आई में कन्वर्ट कर दूं, तो बताइए ये अपने आप ए इनवर्स बन जाएगा कि नहीं? क्योंकि हमें पता है ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है? आई। अगर ये इधर आई है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा ना। और हमने ए इक्वल टू आई ए लिखा है तो कौन सा यूज करेंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन से इधर मैं क्या बनाने जा रहा हूं? आई, मतलब आई का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, 0, 0, 1 ये ठीक। इस साइड मुझे ये बनाना है। अब जो रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें इस्तेमाल करेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब जैसे इसमें लगाएंगे तुरंत तुरंत इसमें भी लगाएंगे ठीक है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब बताइए यहाँ पे मुझे कितना चाहिए? 1, 1 तो ये दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ, लेकिन कितना चाहिए? 0, 0 चाहिए ना, लेकिन 0 नहीं है। तो बताइए हमने जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन 3 नियम बताए थे, तो अगर मैं उसमें से एक नियम यूज कर लूं, तीसरा वाला मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? ये अपना R1 वाली लाइन है ना, मैं कह रहा हूं R1 चेंज किसमें? बताइए अगर मैं इस R2 में 2 से गुणा करके जोड़ दूं तो क्या R1 जो है ये वाला टर्म 0 हो जाएगा? हाँ। तो बताइए क्या करते हैं? R1 चेंज R1 + 2R2, ये 0 हो जाएगा कि नहीं? R1 2 है, अब देखो +2 × -1 तो कितना हो जाएगा? -2, तो 2 - 2 0 यहाँ हो जाएगा ठीक। तो अब इसको चेंज करो, तो अब जब इस पे कर रहे हैं इस पे भी तो लगेगा क्योंकि हम इस R1 को पूरा चेंज कर रहे हैं। तो अब यहाँ लिखो फिर कितना है R1, कितना 1 प्लस है तो +2 × R2 कितना था इसके लिए? 2, तो 2 × 2 = 4 = 5 यहाँ 5 हो गया और यहाँ कितना आ गया? 0। एक बात क्लियर। और लेकिन R2 में हमने कुछ नहीं किया है तो R2 अनचेंज है, R2 को यही रहने देंगे। फिर मैंने क्या कहा था, ध्यान क्या रखना है कि साइमल्टेनियसली इसको भी यही सी रूल से चेंज करेंगे, तो जो रूल इसमें लगाया है वही इसमें भी लगेगा। तो बताइए क्या लगाया था? R1 = R1 + 2R2 ना। अब यहां कितना है? R1 1 है प्लस 2 × R2 कितना इसके लिए? 0, तो 1 + 0 कितना? 1, यहाँ 1 रह गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए इसके लिए क्या हो जाएगा? R1 कितना? 0 प्लस 2 × R2 कितना? 1, तो कितना आ जाएगा? 2, तो ये कौन सा बन गया? 2। अब ये क्या है? 0 1, तो 0 1 यहाँ लिखा रहने दीजिए और ये तो है ठीक।
अब यहां से यहां तक लिखना, ओके। देखिए अब जहां पे कितना लाना है, वन, अभी मैं यहां लिख देता हूं आई क्या होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रहेगा आपको। यहां पे कितना लाना है, वन, और है कितना, फाइव। तो क्या मैं, ये आर वन है ना, तो क्या मैं कह दू आर वन चेंज वन बाई फाइव आर वन, ये भी तो कर सकते हैं। हमने ये तीसरा बताया था, दूसरा क्या बताया था, किसी भी कॉन्स्टेंट से गुणा करा सकते हैं। तो बताइए वन बाई फाइव से इसमें मल्टीप्लाई करा सकते हैं कि नहीं, करा सकते हैं। तो बताइए ये फाइव वन बाई फाइव में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बताइए वन बाई फाइव इंटू फाइव कितना आ जाएगा, वन। तो क्या मैं यहाँ वन लिख दू, यही तो चाहिए था मुझे, देखिए आई यहाँ जीरो है, तो जीरो से किसी भी चीज का पंगा होता नहीं, ठीक, और लेता है वो खुद को जीरो बना देता है। यहाँ कितना है आर टू को, तो हमने कुछ छुआ नहीं, तो इसको ऐसे रहने दो टू माइनस वन। आप एक बात ध्यान दे रहे, मैं दोनों स्टेप में भी केवल आर का ही काम ले रहा हूँ, मैंने कॉलम रूल नहीं लगाया, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज किया, क्यों, क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वल टू, अब जो इसमें लगाया वही सेम इसमें लगाएंगे। तो बताइए इसमें क्या किया है मैंने, वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई किया, आर वन ये था ना वन टू, तो वन में वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई कराएंगे वन बाई फाइव आ जाएगा, टू में वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टू बाई फाइव आ जाएगा ना। और ये आर टू अनचेंज, उसमें तो कुछ किया नहीं, और ये अपना है ऐसे ही, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ भी तो जीरो लेके आना, देखो यहाँ जीरो एक नहीं, तो जीरो लेके आना है। तो बताइए इन दोनों में ऐसा क्या संबंध लगा दे कि यहाँ जीरो हो जाए। ध्यान से देखिए ये कौन है आर टू, तो मैं क्या ये लिख दूं R2 इंटरचेंज। देखिए क्या, अगर मैं इस R1 में दो से गुणा करके R2 से घटा दूं ना, R2 माइनस 2R1, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो बताओ ये जीरो हो जाए कि नहीं, R2 माइनस 2R1, इसमें दो से गुणा करके घटा दो तो दो में से दो गए जीरो। तो देखो करते हैं यहां लिखते हैं, तो बताइए ये R1 तो छुआ नहीं मैंने, तो वैसे के वैसा लिखा पड़ा है। R2 में क्या किया, R2 कितना था 2 माइनस 2 R1, R1 कितना 1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 कितना 0, क्लियर। अब बताइए अब दूसरे में क्या है, ये R2 माइनस 1 है ना, माइनस 2 R1 कितना 0, तो ये आ जाएगा कितना फिर से माइनस 1, क्या यहां तक बात क्लियर है, ओके। अब जो काम इसमें किया है साइमल्टेनियसली इसमें भी करेंगे ना, तो बताइए R1 तो अनचेंज, तो 1 बाई फाइव टू बाई फाइव, यहां तक क्लियर। आर टू को चेंज करना है, तो R2 के लिए क्या किया हमने, R2 की वैल्यू जीरो है माइनस टू, R1 की वैल्यू 1 बाई फाइव, तो कितना हो जाएगा माइनस टू बाई फाइव, क्योंकि जीरो जीरो रह जाएगा। फिर R2 ये वाला A22 को करेंगे तो बताओ R21 माइनस टू इंटू टू बाई फाइव ना, तो टू टू जब फोर बाई फाइव, वन उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा वन बाई फाइव, तो यहाँ कितना आ गया वन बाई फाइव, कोई पॉजिटिव, और ए तो अपना है ही। क्या इतनी बात समझ में आई, लेकिन अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस तो चाहिए नहीं था हमें, क्योंकि क्या चाहिए वन चाहिए आई बनाने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा वन जीरो जीरो, और ये माइनस वन को क्या बनाना है, वन बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताओ, आर टू चेंज माइनस आर टू, ठीक है। तो बताओ ये क्या हो गया वन, अब जो काम यहाँ किया वही काम से इसमें करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा वन बाई फाइव टू बाई फाइव, अब ये देखो माइनस का गुणा इन दोनों में होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू बाई फाइव हो जाएगा, और ये माइनस वन बाई फाइव हो जाएगा, और इंटू ए, क्या यहां तक बात समझ में, क्या ये आई बन गया और क्या ये ए है, तो क्या ये अपने आप ए इनवर्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स इनटू ए इक्वल टू क्या होता है आई। तो अब मैं आपसे पूछूं द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज क्या है बताइए, वन बाई फाइव टू बाई फाइव आर वन में है, टू बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव किसमें है आर टू में है, ठीक, ये क्या हमारा ए इनवर्स और ये क्या है आंसर, ओके। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हमने इस सवाल को रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया था ना, अब हम किससे करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, किससे करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू ए आई, ए इक्वल टू क्या होता है ए इंटू आई,
अच्छा जो आंसर रो ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा वही आंसर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था क्या किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अगर पॉसिबल है तो वह क्या होता है, यूनिक होता है। इसलिए जो आंसर रो ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा वही आंसर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी आएगा। तो बताइए a = ai मानेंगे, अब a की वैल्यू क्या है ये रखेंगे यहाँ पे 1, 2, 2, -1, ठीक। फिर इस a को ऐसे रहने देंगे और i की वैल्यू क्या है 1, 0, 0 and 1, क्लियर सर। इतनी हो गई, अब क्या लगाना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम कौन होता है, ये वाला C1 है, ये C2 होगा, ठीक। यहाँ भी ये C1, ये C2। तो क्या करेंगे अब इसमें बताइए, यहाँ कितना लाना है 0, I बनाना है ना, इसे इसे I बना देंगे और ये A है ही, और ये क्या हो जाएगा अपने आप A इनवर्स हो जाएगा। नहीं, अब आपको पता है A into A इनवर्स क्या होता है, I A into A इनवर्स इक्वल टू I। तो करते हैं हम, देखिए यहाँ क्या लाना है 0, किसको चेंज कर रहे हैं C2 को ना, तो C2 इंटरचेंज, C2 को चेंज कर रहे हैं किसमें, C2 - 2C1। बताइए इस C1 में 2 से गुणा करके 2 से घटा दूंगा C2 से, तो क्या ये 0 हो जाएगा, हाँ। तो करो इस बात को, तो ये 1 ये 0, ठीक, ये 2 था तो 2 रहेगा क्योंकि C1 में मैंने कोई गलती नहीं की है, कोई चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे C2 की वैल्यू कितनी है -1, -2 × C1 की वैल्यू 2, तो 2 × 4 -1, -1, -4, -5। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ओके। A इंटू, अब जो काम हमने यहाँ किया असाइनमेंट पेशन थी इसमें भी करेंगे। तो बताइए यहाँ क्या, इस C1 को मैंने छुआ तक नहीं, तो C1 वैसे के वैसे लिख दिया गया। C2 में हमने क्या किया है बताइए, ये क्या C2 पर पहला टर्म 0 और 0 है और -2, C1 उसके लिए कितना हुआ है 1, तो 2, 0, -2 × 1, तो -2 हो गया कि नहीं, ओके। दूसरी बात क्या है, अब C2 कितना हो गया यहाँ पे 1, माइनस इसके लिए C1 कितना है 0, तो 2 × 0, 1 - 2 × 0, तो कितना बन गया केवल 1। इतनी बात क्लियर, आगे देखिए यहाँ अब क्या चाहिए, यहाँ पे तो मुझे -5 चाहिए, नहीं कितना चाहिए यहाँ पे 1 ना, तो ये -5 हटाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे अगर मैं -1/5 से मल्टीप्लाई करा दूं किसमें C2 में, C2 चेंज -1/5 C2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 बन जाएगा ना अपने आप, तो कर दो इसे 1, तो ये 1 and 2, इसमें तो कोई हमने चेंज नहीं किया है, तो ऐसे रह गया C1, लेकिन C2 में -1/5 से गुणा किया, 0 से अगर 1/5 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1/5 का -5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1। क्या यहाँ तक बात क्लियर, अच्छा जो काम इसमें किया वही काम इसमें करेंगे हम, इक्वल टू a इंटू, बताइए ये C1 तो वैसे ही वैसा कोई टचिंग नहीं है उसमें, C2 क्या है -2 में -1/5 का गुणा, तो -2 × 1/5, 2/5। क्या यहाँ तक बात क्लियर, अब जो है कौन है 1 है C2 में, तो 1 का गुणा जब -1/5 में करेंगे तो बताओ केवल -1/5 ही तो मिल जाएगा हमें कि नहीं, इतनी बात खत्म। लेकिन अब यहाँ पे कौन है 2 दिक्कत कर रहा है, अब 2 को हटा के क्या लाना है 0, तो बताइए यहाँ 0 कैसे आएगा, अगर मैं ये C2 है ठीक है, C2 में क्या करूं 2 का गुणा करके इधर घटा दो C1 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, तो बताओ मैं किसको चेंज कर रहा हूँ C1 को, तो C1 चेंज क्या कर रहा हूँ C1 माइनस इसमें C2 में 2 से गुणा, यही तो किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे आ जाएगा, तो बताओ कितना हो गया ये, यहाँ 2 से C1 कितना है 1 है, -2 C2 कितना 0, ठीक, तो 1 - 0 तो कितना आ गया 1, और ये 2 वाला के लिए अब क्या है C1 कितना हो गया यहाँ पे 2 - 2 × 1, ठीक, तो 2 × 1 = 2 हो गया, 2 - 2 कितना हो गया 0, और इसमें तो हमने कुछ छेड़छाड़ किया नहीं, किसके जैसे रहने दिया, ठीक है, बराबर a इंटू, अब जो काम मैंने यहाँ किया वही काम इस वाले में करेंगे, तो बताओ क्या किया मैंने यहाँ पे, C2
सी वन की वैल्यू 1 माइनस 2 सी टू की वैल्यू 2/5 तो बताओ एक 2 जा 4/5 हो गया माइनस 1 माइनस 4/5 कितना 1/5 अच्छा ये हो गया सी वन का पहला वाला टर्म 1/5 ठीक। अब दूसरा टर्म क्या सी वन का 0 तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 माइनस 2 इंटू सी टू कितना है माइनस 1/5 तो ये माइनस 1/5 ठीक। तो बताओ ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस तो 2/5 तो कितना आ गया ये 2/5 और यहाँ पे कितना पड़ा है 2/5 है इसमें और यहाँ पे 1/5 है क्योंकि सी टू को मैंने छुआ नहीं इसलिए वो अनचेंज। अब बताइए इधर आई हो गया कि नहीं और ये क्या ए लिखा है ये क्या अपने आप ए इनवर्स नहीं हो जाएगा तभी तो आई आएगा क्लियर बात है। तो बताइए ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई तो ये अपना वाला टर्म क्या कहलाएगा ए इनवर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इनवर्स इक्वल टू 1/5 सी वन में 2/5 हो गया 2/5 एंड माइनस 1/5 कहाँ हो गया सी टू में क्लियर। क्या कुछ देर पहले जब मैंने यही काम जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया था तब भी यही आंसर आया था हाँ और अब भी यही आंसर आ रहा है। यहां से भी बात प्रूफ होती है कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय होता है यदि निकालना संभव हो ठीक। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए।